प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स और उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं फर्नो फॉर डिफ्रेक्शन। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। आज हम बात करेंगे एक स्टेप आगे, यानी डिफ्रेक्शन ड्यू टू टू स्लिट्स। तो आप शुरू हो जाइए अपनी पेन कापी ले करके और अपने खुद के नोट्स बनाने के लिए, और आर्टिकल को साथ साथ समझते जाएँ। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रेक्शन ड्यू टू टू स्लिट्स। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्नो फॉर डिफ्रेक्शन। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, पहले वो कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं कंसीडर टू स्लिट्स। मेरे साथ साथ जो कुछ मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखते चले जाइए, बनाते जाइए। अच्छा, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए। ये दो स्लिट्स हैं ए बी, एंड इसको हम सी डी ले लेते हैं, और साथ में लिखते भी जाइए। आप लिखेंगे लेट और ए बी एंड सी डी आर टू स्लिट्स ऑफ विड्थ। प्रत्येक की जो विड्थ है वो हम ए ले रहे हैं, यानी इस स्लिट की जो विड्थ है, ये देखिए ये ए है, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो भी ए है। ये देखिए, इन दोनों स्लिट्स की जो हम विड्थ ले रहे हैं वो ए है। ये भी ए है, और ये जो दो स्लिट्स के बीच का जो ओपिक रीजन आपको दिखाई दे रहा है बीसी, इसको हम बी ले लेते हैं। यानी कि बी सी इजकल टू बी इज द ओपिक रीजन बिटवीन टू स्लिट्स। जो भी चीज है साथ साथ आप लिखते जाइए। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, यानी कि तमाम जो स्टडी करेंगे हम ओ से करेंगे कि ओ इज दी ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जैसे हम लोग ग्राफ पेपर्स में देखते हैं जहाँ से तमाम उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वहीं से तमाम डिस्टेंसेज और कैलकुलेशंस करते हैं। इज टेकन एज ओरिजिन, और इसके अंदर ये देखिए एक छोटी सी एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ये एक स्मॉल एलिमेंट है जिसकी विड्थ कितनी है ds, और जो हमारी इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है s डिस्टेंस पर है। यानी कि लेट, फिर एक और बात कर रहे हैं, ds इज द स्मॉल एलिमेंट एट डिस्टेंस s फ्रॉम ओ ओरिजिन से। ये हमने एक पॉइंट ले लिया है आपने। अब देखिए, जो स्टडी जब हम लोग करेंगे, मैं इन पॉइंट्स को हटा देता हूँ। अब जो बात करेंगे, देखिए जब स्टडी करेंगे, यहाँ पर हम एक लेंस ले रहे हैं लेट। ये कॉन्वेक्स लेंस लिया है क्योंकि ये फर्नो फॉर डिफ्रेक्शन का एग्जाम्पल है, इसलिए इन लाइट रेज को फोकस करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, एंड दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन। और आप देखेंगे यहां पर मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ये दिस स्क्रीन इज प्लेस्ड एट द फोकस पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। जो मैं बोल रहा हूं वो भी अपने नोटबुक में साथ साथ लिखते चले जाए। अब देखिए, मैं जो पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ कि क्योंकि इसमें हम हाइगन्स प्रिंसिपल लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ये स्लिट्स हैं, हमें एक कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करनी होगी। यानी कि अलाउ ए प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन दीज स्लिट्स ए बी एंड सी डी, और फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पल ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड सेंड्स आउट द सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स।
द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डज नॉट डिफ्रैक्ट, जो डिफ्रैक्ट नहीं होते, देखिए इस तरीके से, जो सेकेंडरी वेवलेट्स डिफ्रैक्ट नहीं होती यानी कि बेंड नहीं हो रही हैं लाइक दिस, ये सारी जो दे मीट एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पर मिल रही हैं। मेरे साथ डायग्राम आप बनाते रहिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपका डायग्राम जो है, आपका आर्टिकल जो है वो तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा डायग्राम आगे बढ़ेगा आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छी स्कोरिंग आप करेंगे। आप नोट्स साथ बना ले, और अगर नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लेके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। मैंने क्या लिखा कि अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी और प्रिंसिपल मैक्सिमा, जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। आप साथ साथ लिखते जाइए, डिस्टर्बेंस एंड सेंड्स आउट पूरी पूरी वेव थ्योरी हमारी, हम जानते हैं कि हाइगेंस प्रिंसिपल पर आधारित है, सेंड्स आउट द सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट, द वेव फ्रंट्स और वेवलेट्स विच डज नॉट डिफ्रैक्ट मीट एट पॉइंट पी। आप वेवलेट्स विच डज नॉट डिफ्रैक्ट, और आप कह सकते हैं क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, मीट एट पॉइंट पी। लेकिन देखिए जो सेकेंडरी वेवलेट्स डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, ये देखिए जो मान लो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, आप खुद यहाँ से देख लीजिएगा, ये थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डिफ्रैक्ट यानी कि जो बेंड हो गए हैं मीट एट पॉइंट पी डैश आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस, द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डिफ्रैक्ट एट पॉइंट एट एन एंगल थीटा meet at point P days after passing through this convex lens। मैं लिख रहा हूं यहां पर, the wavelets which diffract at angle theta meet at point P days। अब इस P डैश पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमा की या मिनिमा की, यहाँ पर वो जैसे पिछला लेक्चर आपने पढ़ा था उसमें हमने सिंगल स्लिट की बात की थी, तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट हो रहा था, लेकिन पिछले यूनिट्स में हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था कि जब दो सोर्स हों, जैसे एक सोर्स ये ए बी हो गया, एक सोर्स ये सी डी हो गया, तो इनकी वजह से जो है सेकेंड स्लिट की वजह से इंटरफेरेंस भी हो रहा है, तो पी डैश पर जो इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होगी। कौन कौन से कंबाइंड इफेक्ट होंगे, एक तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट हो रहा है उसकी वजह से जो भी पैटर्न आएगा वो बनेगा, इंटेंसिटी जो होगी वो होगी, और दूसरी इंटरफेरेंस ड्यू टू सेकेंड स्लिट, इस स्लिट की वजह से यहाँ इंटरफेरेंस भी हो रहा है। तो मैं आप लिखेंगे द रिजल्टेंट इंटेंसिटी at point P dash is due to combined effect, दोनों का इफेक्ट हम लेंगे, इफेक्ट ऑफ नंबर वन, देखिए क्या है,
diffraction due to single slit, diffraction due to सिंगल स्लिट. और दूसरा जो पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, इंटरफेस ड्यू टू सेकेंड स्लिट. इंटरफेरेंस ड्यू टू सेकेंड स्लिट. अब हम बात कर लेते हैं इसका कुछ मैथमेटिक्स, इनकी कंडीशंस निकालने के लिए. हमने क्या कहा था, ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है ds, तो इस ds की वजह से p डैश पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. ये ds जो है इस ओरिजिन से s डिस्टेंस पर है. हम लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट एट p डैश ड्यू टू द एलिमेंट ds एट डिस्टेंस, जो कितनी डिस्टेंस पर है, एट डिस्टेंस s फ्रॉम o इज गिवन बाय. देखिए प्यारे बच्चों, ये कितना होगा वो लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप खुद लिखिए. देखिए dy इज इक्वल टू r ds बाय x, साथ साथ लिखते जाइए, इंटू साइन 2π टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा और माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट विच इज एट डिस्टेंस एस फ्रॉम दिस ओरिजिन. अब यहाँ क्या क्या चीजें हैं ये और देख लीजिए. ds तो मैंने पहले ही बता दिया है, दिस इज द विड्थ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. और x जो है ये देख लीजिए, x क्या है, वेयर आप देख रहे हैं इसमें एक नई टर्म दिखाई दे रही है आपको, s sin थीटा. मैं इन्हीं की बात कर लेता हूं पहले, ये डेल्टा है, यानी कि s sin थीटा इज द पाथ डिफरेंस ऑफ इज द पाथ डिफरेंस Difference with respect to the origin O. यानी कि जैसे यहाँ से ये स्लिट अगर यहाँ ओरिजिन पर होती तो ये पाथ डिफरेंस जीरो होता, ये नहीं होता. लेकिन जैसे जैसे स्लिट इससे ऊपर जा रही है, ऊपर ले रहे हैं, तो फिर पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो है ये पाथ डिफरेंस. S sin theta is the path difference with respect to the origin. क्योंकि ये s इस एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं जो कि इसके ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, s डिस्टेंस पर है. ये हो गई. और एक और बात देखिए आप यहां पर, ये x क्या है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन. आप लिख लीजिएगा, इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन. और एक चीज और देख रहे हैं आप, जो नई आपको दिखाई दे रही है, वो है r. r क्या है, r इज द एम्पलीट्यूड ड्यू टू यूनिट विड्थ. एम्पलीट्यूड ड्यू टू यूनिट विड्थ ऑफ स्लिट. ये भी आपने यहां लिख लिया. ये हमने इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट है. और अगर हम दोनों स्लिट्स की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पी डैश पे देखना चाहते हैं दोनों स्लिट्स की वजह से, तो फिर हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा. आप लिखेंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वी इंटीग्रेट इक्वेशन वन. ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन दे दीजिए, दिस इक्वेशन इन लिमिट्स, लिमिट्स भी देख लीजिए. देखिए एस की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी
माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू, यानी कि इस जो आपकी स्लिट दिखाई दे रही है अगर हम इसको पूरा कवर करें तो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, हमने कहा था ना ये ए है, तो यहाँ से ये माइनस ए बाई, ये माइनस ए बाई टू हो जाएगा, ये प्लस ए, ये पूरी यूनिट यहाँ कवर हो जाएगी, यानी कि माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू। देखो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ कितनी है, प्लस ए बाई टू, क्योंकि कंप्लीट स्लिट की विड्थ कितनी है ए, तो यहाँ से ये दूरी कितनी है ए बाई टू, ये डिस्टेंस कितनी है ए बाई टू। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ये स्लिट है ए बी हमारी, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से अब आप देखिए ये ओरिजिन है, तो आप इसको इस तरीके से बात कर सकते हैं, ये ए बाई टू है और ये भी ए बाई टू है। तो अगर हम इस पूरी स्लिट को कवर करना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेट करना होगा इसे, माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू, ये तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि भाई हम इस स्लिट को भी कवर करना चाहेंगे, यहाँ से इस स्लिट को भी कंप्लीट कवर करना चाहेंगे, तो इससे देखिए ये तो हमें पता चल गया, आप ज़रा एक बार देख करके मुझे बताना यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, बता सकते हैं ये कितनी है, ये है ए प्लस बी। देखो बी तो ये है और हाफ ये है, हाफ ये है, ए बाई टू ए बाई टू, तो ए हो गया ना, ए प्लस बी हो गया, और इसे हम ले रहे हैं डी, यानी कि इस कंप्लीट डिस्टेंस को बी ले रहे हैं डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की। अब जब हम इस स्लिट की दूरी यहाँ से करेंगे, यानी कि ये देखिए ये अगर डी है तो फिर ये कितनी होगी, यहाँ से मैं इसी की बात कर रहा हूँ यहाँ तक, ये देखिए ये स्लिट इसकी अपर फेस तक, ये हो जाएगी डी माइनस ए बाई टू। ये देखो यहाँ तक तो डी है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी डी, तो फिर यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये डी माइनस ए बाई टू हो जाएगी, और यहाँ तक देखेंगे तब कितनी होगी, देखिए ये देखिए यहाँ से जब हम ये बात कर रहे हैं ये हो जाएगी डी प्लस ए बाई टू। देखिए यहाँ तक तो डी है ही और ये ए बाई टू इसमें और ऐड कर दिया है, यानी कि अगर इस स्लिट को भी हम कवर करना चाहेंगे तो हमें इंटीग्रेट और करना होगा। एक तो हो गया इस स्लिट के लिए, तो होगा इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू, जब इस स्लिट की भी हम बात करेंगे तो इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा डी माइनस ए बाई टू टू, ये भी एस की वैल्यू होगी डी प्लस ए बाई टू ए बाई टू, ये लिमिट्स हमारी होगी। इससे क्या होगा कि हमारी दोनों स्लिट्स जो हैं ये कवर हो जाएगी और हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पी डेस मिल जाएगा। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वाई, और यहाँ पर देखिए आर बाई एक्स, ये तो हम क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एस हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे, तो इसको हम बाद में लेंगे और हम लिख रहे हैं इसको, तो हमने ऐसे ले लिया। और आप देखिए मेरे साथ साथ थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं हम, आप लोग कर सकते हैं। देखिए साइन टू पाई, मैं पहले इसी की बात कर रहा हूँ, ये इसको ऐसे कर लेते हैं टू पाई, और अब इसको लिखेंगे टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा, ये देखिए, और जो लिमिट्स हम रख रहे हैं माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू, ये रहती है, ये तो लिमिट्स हमने रखी है इस स्लिट के लिए और वो आपने लिख दिया। प्लस अभी और कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये देखिए साइन टू पाई, बहुत ही साफ साफ अच्छे तरीके से आप लिखिए टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा, और फिर ब्रेकेट बंद, और ये हो जाएगी डी माइनस ए बाई टू से। मैंने कहा था ना नेक्स्ट इस स्लिट को कवर करने के लिए हमें लिखना होगा इस, ये लिमिट होगी एस की डी माइनस ए बाई टू टू डी प्लस ए बाई टू, ये हो गए, ये इंटीग्रेट हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, y इज इक्वल टू, देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं ये ब्रैकेट जो है वो तो आप बंद कर ही देंगे, r बाई एक्स, ये ब्रेक ये टर्म है यहीं पर, मैं ये बड़ी जो कैपिटल ब्रैकेट है वो लगा रहा हूँ,
अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और आप जानते हैं साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस होता है, तो हम लिख देते हैं, ये देखिए कोस 2π t/t माइनस एक्स बाई लेमडा और माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा। ये देखिए ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, साथ में इसके नीचे जो है जो एस का कोफिशियंट है वो माइनस है और एस ये साइन थीटा बाई लेमडा और 2π है, लेकिन जो माइनस होगा क्योंकि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में होता, तो उस माइनस और इस माइनस की वजह से तो प्लस हो जाएगा, लेकिन उस कोफिशियंट से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2π साइन थीटा बाई लेमडा। ये देखिए 2π जो एस का कोफिशियंट है माइनस साइन थीटा बाई लेमडा 2π, 2π साइन थीटा बाई लेमडा, और माइनस जो इसके साथ आया था वो कैंसिल हो गया है क्योंकि साइन का जो इंटीग्रेशन माइनस होता है, वो हमने लिख दिया। हाँ, इसकी जो लिमिट्स हैं वो हमें ज़रूर यहाँ लिखनी होंगी, और वो है माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू। ये तो सिर्फ इस टर्म को हमने इंटीग्रेट किया है, अब हम इस टर्म को भी इंटीग्रेट कर देते हैं, चलिए देखते हैं। यानी कि प्लस प्लस लगा दिया हमने, और वही बात यहाँ पर भी कि कोस 2π t/t माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा, और आप देख रहे हैं लिमिट्स हैं डी माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू, ये इनकी लिमिट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ। लिमिट्स क्या है, डी माइनस ए बाई टू टू डी प्लस ए बाई टू, और फिर जो बड़ी ब्रैकेट है हमारी वो भी हम पूरी कर देते हैं। मेरे साथ साथ इन मैथमेटिकल स्टेप्स को लिख रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, बहुत कोई पार्ट जो है स्किप नहीं कर रहे हैं। देखिए एक भी अगर आप बीच का स्टेप छोड़ जाते हैं फिर एक कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी भी हम क्लास में जब टीचर पढ़ाता है, लेक्चरर प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम कोई पॉइंट को स्किप करते हैं? नहीं करते, तो आप वीडियो में भी जो आपके हाथ में है उसको स्किप ना करें बल्कि देखें, तभी समझ में आएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो अभी छोड़ दें, जब समय हो, पूरा फ्रीनेस हो आपके माइंड में, पढ़ने का मन हो, तो ही इन आर्टिकल्स को करें। चलिए देख लेते हैं, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। y इजिकल टू आर बाई एक्स। अच्छा ये अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब लिमिट्स खोल देते हैं। पहले यहाँ s के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन के साथ, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेट किया है इसको, और फिर हम ये लिखेंगे। इसी तरीके से पहले यहाँ पर s में अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। चलिए 1/1 करके हम लोग चलते हैं। r बाई एक्स, ये देखिए cos 2π, और जब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर देखिए t/t माइनस एक्स बाई लेमडा, और ये देखिए माइनस ए साइन थीटा बाई टू लेमडा। मैंने इस एस के स्थान पर अपर लिमिट रख दी है ए बाई टू, अब माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रख देंगे, यानी कि ये तो हमने रख दिया एक बार, ये कैपिटल हो गया है माइनस साइन के साथ, ये देखिए माइनस, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 2π इंटू t/t माइनस एक्स बाई लेमडा, और अब ये रखेंगे इसके स्थान पर तो क्या हो जाएगा, प्लस ए साइन थीटा बाई टू लेमडा, क्योंकि हमने s के स्थान पर a बाई टू रख दिया है। तो ये हमारी एक टर्म तो ये हो गई है, और ठीक ऐसे ही ये जो है इसको हम साइड में ले लेते हैं, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y इजकल टू आर बाई एक्स और इंटू 1 बाई, ये है 2π साइन थीटा बाई लेमडा। ये जो नीचे की टर्म थी वो हमने यहाँ ले ली। अब देखिए जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये टर्म थी, जब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया था लिमिट के साथ, तो यहाँ पर ये टर्म तो यहाँ पर भी थी। देखिए 2π और साइन थीटा बाई लेमडा, तो इन दोनों में ही हमने ये भार ले लिया है बड़े साइन के साथ, इसलिए मैं इस ब्रैकेट के अंदर इसको नहीं लिख रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इसमें कोफिशियंट कौन था, यही था जिसको हमने यहाँ भार ले लिया है। चलिए और इस ब्रैकेट को खोल दिया, अब हम बात इसकी कर लेते हैं। प्लस ये देखिए यहाँ पर भी ये टर्म तो हमने यहाँ ले रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए कोस 2π
टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा। और ये देखिए इस एस के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं डी प्लस ए बाई टू। तो एस के स्थान पर जब हम डी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डी साइन थीटा बाई टू लेमडा, और फिर ए बाई टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ए बाई टू यानी कि ए साइन थीटा बाई टू लेमडा। ये देखिए ये हो गया, ये तो हमने क्या किया है, इसके स्थान पर इस एस के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, अब हम माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे। कोस टू पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस डी, ये देखिए डी ये तो है ही यहाँ पर, टू लेमडा फिर प्लस हो जाएगा ए साइन थीटा बाई टू लेमडा। ये देखिए ये भी हमने ब्रैकेट बंद कर दी है और ये कंप्लीट ब्रैकेट है, और ये कंप्लीट जो इनका दोनों के जो डिनोमिनेटर में थे वो हमने पहले से ही यहाँ बाहर लिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब एक काम, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा, एक्स ये है हमने एच सच लिख दिया है इंटू वन अपोन, ये जो टर्म लिख रहे हैं वो भी लिख देते हैं, टू पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा ये लिख दिया है। और ये देखिए यहाँ पर अब हम कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला लगा रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे, टू क्या होता है वो साइन सी प्लस डी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई टू, तो ये वाली जो टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास जो बचेगा वो लिख देते हैं, हमारे पास बचेगा टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा। और ये देखिए बस ये टू क्या होता है कोसी टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो करेंगे तो ये पोर्शन कैंसिल हो गया है, ये बच गया है इंटू साइन डी माइनस सी, इसमें शिफ्ट है तो इस बार ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और हम लिखेंगे टू पाई डी माइनस सी, तो डी माइनस तो इसमें करेंगे हमारे पास सिर्फ बचती है ये बात ए साइन थीटा बाई टू लेमडा। ये देखिए इसमें से जब ये टर्म सब, तो ये तो कैंसिल हो गई है और हमारे पास बच रही है सिर्फ ये टर्म, जब हम बाई टू करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये तो ये टर्म हो गई इस टू से, ये टू कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा। ये देखिए ये तो हमने ये कोस सी माइनस कोस डी इस फार्मूले को सिंप्लीफाई कर लिया है, अब हम इसको करते हैं ठीक ऐसे ही, यहाँ पर भी हम करेंगे टू साइन, तो इस टू को भी हम बाहर ले लेंगे, ये देखिए टू ये प्लस में है टू साइन साइन, ये देखिए यहाँ पर अब वही c प्लस डी बाई टू, तो ये जो टर्म एक जैसी हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगी, ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे टू पाई इंटू सी प्लस डी बाई टू करेंगे, तो ये जो टर्म तीनों टर्म हैं ये रह जाएंगी, और जब ये दोनों प्लस और माइनस के साथ हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों तो एक जैसे साइंस के साथ हैं, तो ये तो बिल्कुल वही टर्म आ जाएंगी टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस डी साइन थीटा बाई टू लेमडा। ये देखिए ये तो एच सच आ गई है और ये टर्म हमारी कैंसिल हो, और डिवाइडेड बाई टू क्या, क्योंकि दोनों ऐड करके डबल हो गई थी और टू से टू कैंसिल हो गया, वो तो कोई प्रात नहीं है, इनटू मैं इस टर्म को भी हटा देते हैं यहाँ पर इनटू साइन, ये देखिए अब डी माइनस सी करेंगे तो इस बार ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आएगा टू पाई इंटू ए साइन थीटा बाई टू लेमडा, जो टू से टू यहाँ कैंसिल हो गया। आप वही बात करेंगे कि यहाँ पर भी अब हमारे पास आ गया है जो टर्म बचती है, मैं वही लिख देता हूँ साइन पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा। ये देखिए और फिर मन ले लेता हूँ और ये देखिए हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि वाई इजिकल टू आर ए बाई एक्स, ये तो है ही यहाँ पे, और यहाँ इन दोनों में से टू कॉमन ले लेते हैं, जब हम टू कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आता है,
एक तो इसमें टू कॉमन है, ये वाला टू हम कॉमन ले लिया, ये चलिए ये टू हो गया है, और इनटू जो कुछ भी है एच सच लिखते जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है, टू पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, ये देखिए एच सच लिख दिया हमने। एक चीज़ यहाँ और कॉमन है, देखिए इन दोनों ही टर्म्स में, एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म ये है, इनमें ये वाली जो टर्म है देखिए ये कॉमन है, तो क्यों ना हम इसको कॉमन ही ले लेते हैं, यानी कि साइन, ये देखिए ये वाली जो टर्म है ये साइन पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, ये कॉमन ले लिया। अब अंदर जो बचता है मैं वो लिखता हूँ, देखिए इसमें ये कॉमन ले लिया है, टू भी कॉमन ले लिया, बच ये गया है यानी कि साइन टू पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ये बच गया है यहाँ इस टर्म में, तो क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया है, प्लस साइन के साथ ये देखिए ये टू पहले से ही बाहर है, ये लिया हुआ है कॉमन, तो जो बच गया है वो क्या है, इसमें बच रहा है साइन टू पाई और फिर देखिए टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस डी साइन थीटा बाई टू लेमडा, और फिर ब्रैकेट को हम कर देते हैं बंद। ये देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से भी आप चाहें तो इस टू को हम कैंसिल कर देते हैं और फिर जो बचता है वो लिख दिए। यहाँ पर एक और फार्मूला आपके पास बन रहा है, साइन का ये जो फार्मूला है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास बच रहा है आर ए बाई एक्स, एच सच हमने लिख दिया है, और उसके बाद इंटू वन अपॉन पाई ए, ये देखिए पाई ए, मेरे डायग्राम और ये जो स्टेप्स ने प्यारे बच्चों ये साथ साथ ही लिखते जाएं, और ये चीज़ हमने यहाँ पहले से ही कॉमन ली हुई है, साइन पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, ये हमने यहाँ ले रखा, ये लीजिए। अब जो बचता है यहाँ पर, अब हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा रहे हैं, तो चलिए ऐड करते हैं, साइन टू पाई सी प्लस डी बाई टू करेंगे, तो ये देखिए इन सबको ऐड करके दो से डिवाइड करेंगे, तो ये तो डबल टर्म हो जाएंगी लेकिन ये सिंगल रहेगी, तो हमारे पास बच जाएगा जो बच रहा है, मैं लिख रहा हूँ टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा, ये डबल हो गई थी, दो से डिवाइड किया तो दो से दो कैंसिल हो गया, लेकिन ये टर्म बची हुई है माइनस डी साइन थीटा बाई टू लेमडा हो गया, ये देखिए, तो ये तो टर्म हो गई इनटू ये सी प्लस डी बाई टू की बात हम लोग कर रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो जाएगा टू, देखो फिर देख लीजिए क्या आएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ये हो गया, और ये आ गया कोस पाई डी साइन थीटा बाई लैम्डा, इसको थोड़ा फर्दर हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, और हमारे पास जो बचता है यह मैं ए नोट लिख रहा हूँ, ये ध्यान देने की बात है, ए नोट मैंने इसके स्थान पर लिखा है, इनटू साइन अल्फा, ये जो देख रहे हो पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, इसके स्थान पर मैंने अल्फा रखा है, और ये देखिए नीचे भी अल्फा हो जाएगा। फिर बात देखिए एक और टर्म, ये जो आप देख रहे हो पाई डी साइन थीटा बाई लैम्डा, इसके स्थान पर हम बीटा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगी कोस बीटा, ये टर्म होगी कोस बीटा। अब बच ये गई है, उसको हम एच सच लिख देते हैं, यानी कि साइन टू पाई, इसको यहाँ लिख देते हैं, साइन टू पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा माइनस डी साइन थीटा बाई टू लैम्डा, ये देखिए। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वेयर ए नोट हमने रखा है टू आर ए बाई एक्स, जहाँ इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, यानी कि टू आर ए बाई एक्स, ये तो हमने ए नोट रखा इसके स्थान पर, ये देखिए। और ये जो पाई ए साइन थीटा बटा लैम्डा है इसके स्थान पर, ये जो अल्फा हमने किसके स्थान पर रखा है, पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, ये देखिए पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, तो ये साइन अल्फा बाई अल्फा हो गया। और ये जो बीटा जो रखा हमने वो इस टर्म के स्थान पर रखा है, यानी कि जो बीटा है इसकी भी हम बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब हम कंडीशंस निकालेंगे, इसलिए इसको भी आप देख लीजिएगा। बीटा हमने रखा है पाई डी
साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा, और आप ये तो जानते ही डी क्या होता है, ए प्लस बी, इनकी हमें अभी थोड़ी ही देर में जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये एक हमारी रिजल्टेंट वेव जो पी डैश पर पहुंचेगी उसकी इक्वेशन आ गई है, जहां पर ये कंबाइंड ले ली, ये इसका जैसे साइन का कोफिशियंट है तो ये जो है एम्पलीट्यूड हो जाएगा। हम यहां यही बात कहेंगे, दिस इक्वेशन गिव द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी डैश ड्यू टू, इसमें दोनों ही इफेक्ट्स आ गए हैं, ड्यू टू द डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट एंड इंटरफेरेंस ड्यू टू सेकेंड स्लिट। और यहां पर ए क्या है, मैं उसी की बात कर लेता हूं, ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा और कोस बीटा इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये कंप्लीट आ गया, इसमें दो टर्म आपको इस एम्पलीट्यूड में नजर आ रही होंगी। और हम एक बात और जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होगी किसी पी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो वहां पर जो एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो इंटेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि इंटेंसिटी। अब हम देखते हैं कि पहले हम देखेंगे कि ये जो टर्म है ये डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट के लिए है, और ये जो सेकंड टर्म आप देख रहे हैं इट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ड्यू टू टू स्लिट्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। चलिए ये देखते हैं, तो यहां पर सम स्पेशल केसेस आप देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इफ अल्फा टेंड्स टू जीरो, देखिए अल्फा की वैल्यू जीरो हो, और एक कंडीशन ये भी है कि लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो और साइन अल्फा बाई अल्फा इट इज इक्वल टू वन, ये वन हो। तो ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये कितनी, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो कितना जो वन हो जाएगा, और फिर इंटेंसिटी कितनी होगी वो देख लीजिए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वेयर, ये हो जाएगी, क्योंकि ये तो वन हो गया, यही तो टर्म है डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट के लिए, और ये तो मैक्सिमम होगी एंड इट इज़ द कंडीशन। और देखिए जब अल्फा टेंड्स टू जीरो होगा तो इस कंडीशन में देखिए, जब अल्फा जीरो होगा तो फिर क्या हो रहा है, ये पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा ये भी जीरो होगा, और इस केस में ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं तो साइन थीटा विल आल्सो भी जीरो, और वी कैन से दैट थीटा टेंड्स टू जीरो। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, एंड इस मैक्सिमा को हम एक नाम देते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी मैक्सिमा या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो प्यारे बच्चों देखिए, इट इज द कंडीशन ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, प्राइमरी और आप इसे प्रिंसिपल मैक्सिमा भी कह सकते हैं, और प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये तो मैक्सिमा की कंडीशन, ये तब होती है जब अल्फा जीरो हो और साइन अल्फा बाई अल्फा भी जीरो हो। अल्फा इज नॉट जीरो बट साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन में, यानी साइन अल्फा की वैल्यू जीरो हो बट अल्फा जीरो ना हो। इस केस में इसका मतलब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा, साइन अल्फा जीरो कब होता है, जब अल्फा की वैल्यू देखो साइन 180 है वो भी जीरो होता है, प्लस माइनस आप कह सकते हैं प्लस माइनस 2 पाई और प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस एन पाई हो जाए। और यहाँ m की वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन जो है ये हमारे पास ऐसा कब होगा, जब जैसे ही साइन अल्फा की वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये टर्म जो इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी, यानी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। और ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, जब इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर जीरो होती है तो वह मिनिमा होता है, यानी इट इज़ द कंडीशन ऑफ मिनिमा, इट इज कंडीशन ऑफ मिनिमा।
अब यहाँ एक और बात देखिए, अल्फा हम किसके बराबर ले रहे हैं, ये है, तो आप जरा अल्फा की वैल्यू ये रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि पाई ए साइन थीटा, मैं ये लिख रहा हूँ अल्फा इक्वल टू दीजिए, क्योंकि हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ये हम मान के चले हैं, इट इज इक्वल टू एम पाई। ये देखिए, और यहाँ पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आप देखेंगे कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये हो, तो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, जो डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट की वजह से जो मिनिमा होगा वो ये कंडीशन है, जहां एम की वैल्यू 1, 2, 3, 4, यानी इन इन पॉइंट्स के ऊपर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वह हमें मिनिमा मिलेगा। और अब हम देखते हैं कि इन दो मिनिमाज के बीच में, क्योंकि दो कंजक्टिव मिनिमाज नहीं हो सकते, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा ज़रूर होगा और उस मैक्सिमा को हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या कंडीशन है। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमाज के लिए देखिए बेटे, इसमें क्या होता है कि ये जो कंडीशन है हमारी, हमने पिछला वीडियो जो है आप उसमें देखना, उसमें इस कंडीशन को हमने निकाला हुआ है, दिस इज़ द कंडीशन फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा। और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई जो पॉइंट्स करेंगे, इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो एग्जैक्टली दो मिनिमाज के बीच में लाई नहीं करती, बल्कि वो हमारे जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है स्लाइटली। और दूसरी ये है, इंटेंसिटी आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग रैपिडली व्हेन वन मूव अवे फ्रॉम दी प्रिंसिपल मैक्सिमा। उसको हम अभी ग्राफ के द्वारा शो करेंगे, उसमें एक बात बताएंगे, यानी कि वी नोट दैट दिस सेकेंडरी मैक्सिमा डज नॉट लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन टू मिनिमाज, बट दे स्लाइटली शिफ्ट और डिस्प्लेस टुवार्ड्स प्राइमरी मैक्सिमा। एंड आल्सो एक और बात देखेंगे आप यहां पर, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा गोज ऑन डिक्रीजिंग रैपिडली, डिक्रीजिंग एज वन मूव अवे फ्रॉम प्राइमरी मैक्सिमा। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आपने लिखी, ये हमने डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट की बात की है। अभी इंटरफेरेंस, ये जो सेकंड टर्म है जो आप देख रहे हैं को स्क्वायर बीटा, इट इज द टर्म विच एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमा ड्यू टू द इंटरफेरेंस ड्यू टू टू स्लिट्स। तो चलिए उसी को देखते हैं। इंटरफेरेंस ड्यू टू टू स्लिट्स, यहां पर देखिए, सबसे पहला ही केस हम ले रहे हैं फॉर मैक्सिमाल। देखिए मैक्सिमा के लिए क्या होगा कि ये जो कोस स्क्वायर बीटा की टर्म है, यानी कि कोस स्क्वायर बीटा इट मस्ट बी इक्वल टू वन, क्योंकि कोस बीटा की वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो यही होती है। कोस स्क्वायर बीटा इजकल टू वन, और ऐसा कब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोस बीटा इजकल टू प्लस माइनस
वन, क्योंकि जब स्क्वेयर करेंगे तो प्लस ही आता है, और यहाँ से हमें बीटा की कंडीशन पता चल जाएगी। कोस बीटा वन कब होता है, जब ये कोस जीरो जो है, आप देखिए कोस जीरो वन होता है, कोस जीरो वन होता है, और फिर कोस पाई, कोस 180 जो है वो माइनस वन होता है, कोस टू पाई, कोस थ्री पाई। तो ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं प्लस माइनस जो है ये, और एंड शोन, यानी कि जो बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है वो प्लस माइनस एन पाई हो गया है। तो दिस इज दी कंडीशन फॉर मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द टू स्लिट्स। अच्छा, बीटा के स्थान पर हम क्या ये मान के चले थे, तो पुट दिस वैल्यू हियर, बीटा क्या है हमारे पास, पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा एंड इट इज इक्वल टू एन पाई। ये देखिए, और यहाँ से पाई की वैल्यू कैंसिल हो गई है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, और डी के स्थान पर भी आप जानते हैं व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा एंड इट इज इक्वल टू एन लेमडा। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमाज, ये मैक्सिमाज की कंडीशन है। और प्यारे बच्चों, ड्यू टू इंटरफेरेंस ये मैक्सिमा कंडीशन हुई। अब मिनिमा के लिए भी देख लेते हैं, फॉर मिनिमाज, यानी कि मिनिमाज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द टू स्लिट, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये कब होगा, क्योंकि ये है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो हम यही कहेंगे कोस स्क्वेयर बीटा ये जीरो हो जाए, या फिर कोस बीटा की वैल्यू जीरो होगी तभी इसका स्क्वेयर जीरो होगा। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो बीटा की वैल्यू, ये कोस बीटा कब जीरो होता है, जब बीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 आप जानते हैं जीरो होता है, प्लस माइनस, या फिर प्लस माइनस 3π/2, या फिर प्लस माइनस आप कह सकते हैं 5π/2 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बीटा की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 2n, हम इस तरह से इसको लिखेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। ये देखिए, हमने ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू बीटा की वैल्यू है, एंड यू कैन से दैट पुट अगेन द वैल्यू ऑफ द बीटा हियर एंड बीटा इज दिस। तो जैसे ही हम इसको पुट अप करेंगे हमारे पास आएगा पाई डी साइन थीटा बाई लेमडा एंड इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। और ये देखिए, पाई से पाई हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, और हमारे पास जो आंसर आया है वो देखिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई टू। और डी के स्थान पर हम पहले से जानते हैं डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, डी हमने ए प्लस बी के बराबर, तो जहाँ डी है वहाँ पर हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन अब आपके पास आ गई है, दिस इज दी कंडीशन ऑफ मिनिमाज ड्यू टू दी इंटरफेरेंस ऑफ द टू स्लिट्स। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमने कंडीशंस मैथमेटिकली निकाल ली हैं, अब हम देखते हैं कि डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू टू स्लिट्स कैसा आएगा, क्योंकि उसमें कंबाइंड इफेक्ट है, उसमें डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का भी फैक्टर है, और साथ में डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस ड्यू टू टू स्लिट्स की भी बात हो रही है। तो दोनों का पहले हम डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का पैटर्न ड्रा करेंगे, फिर हम इंटरफेरेंस ड्यू टू टू स्लिट्स ये करेंगे, फिर उन दोनों को मर्ज करेंगे, उन दोनों को कंबाइंड करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो होगा डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू दी टू स्लिट्स। डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू टू स्लिट्स। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, अब आप दो और तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि सबसे पहले देखिए, हम अगर डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट होती, ये सिंगल स्लिट होती तो किस तरह का पैटर्न हमें मिलता वो देख लेते हैं। यहां पे
ये देखिए इधर हम इंटेंसिटी ले रहे हैं, यानी कि यहाँ ये जो टर्म दे रहे हैं हम, वो है ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाई अल्फा स्क्वेयर, ये वाली टर्म, क्योंकि इसी वजह से डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट होता है। तो हमारा जो पैटर्न हमें मिला था, जो हमने पिछले वीडियोज में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो वो देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। जो पैटर्न हमने देखा था, सेंटर में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी का प्रिंसिपल मैक्सिमा मिला था, फिर हमें ये दूसरा मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा जो हैं वो इस टाइप से मिले थे, क्योंकि वो थोड़ा सा दे शिफ्ट टुवार्ड्स दी प्रिंसिपल मैक्सिमा लाइक दिस। और दूसरा पॉइंट हमने देखा था जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम दी प्राइमरी मैक्सिमा। ये जो है ये प्राइमरी मैक्सिमा है और ये सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं। तो ये तो किसकी वजह से हुआ, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ऐसा हमें पैटर्न मिला था जो हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब हम इंटरफेरेंस ड्यू टू टू स्लिट्स, क्योंकि वो भी यहाँ हो रहा है, उसको और देख लेते हैं। ये देखिए ये इंटेंसिटी हम ले रहे हैं इधर, तो और यहाँ पर देखिए ये बराबर बराबर इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर, ये देखिए आप मेरे साथ ये पैटर्न बनाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये इक्वल इंटेंसिटी का होता है, ये देखिए जितने भी मैक्सिमाज हैं वो इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं। ये देखिए बराबर बराबर इंटेंसिटी के हमें यहाँ पैटर्न मिल रहे हैं। Like this. और ये जो टर्म है आप देख रहे हैं कोस स्क्वेयर बीटा, ये वाली टर्म आ गई, यानी ये इंटरफेरेंस की वजह से टर्म आई है। लेकिन ये दोनों दोनों सेपरेट नहीं है कि भाई ये अलग इफेक्ट हो रहा है ये अलग हो, अगर अकेला ये स्लिट होती तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऐसा मिलना था। और क्योंकि यहाँ पर दोनों सिर्फ इंटरफेरेंस को हम देखते हैं तो हमें इस टाइप का पैटर्न यहाँ आप दे रहे हैं कि जितने भी मैक्सिमाज हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, इक्वल इंटेंसिटी के हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं, और मिनिमा लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन दी टू मैक्सिमाज। तो आपने ये देखा या मैक्सिमा लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन दी टू मिनिमाज, ये सिचुएशन हमने देखी। लेकिन अब कंबाइंड इफेक्ट अगर देखें दोनों मिक्स हो जाते हैं तो फिर हमें किस टाइप का पैटर्न एक्चुअल में, इधर इस बार हम जो टर्म ले रहे हैं वो सारी ले रहे हैं कलेक्टिव ले रहे हैं, यानी कि ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अल्फा स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर बीटा। और जो टर्म्स आएंगी वो देखिए आप देख रहे हैं कि जब एक का मैक्सिमा दूसरे के मैक्सिमा पर सुपर इम्पोज होगा तो हमें जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिल रहा है, ये देखिए। लेकिन अब ये देखिए कि जो कलेक्टिव इफेक्ट होगा ये कहीं एक का मिनिमा दूसरे के मैक्सिमा पे गिर रहा है, तो एक्चुअल में जो पैटर्न मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का मिलेगा, ये देखिए। और वो पैटर्न कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं यहां पर, लाइक दिस आप देख रहे हैं कि जो दिस इज दी रिजल्टेंट है, और यू कैन से डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू टू स्लिट्स, इसमें दोनों का इफेक्ट आ चुका है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट भी है और डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ड्यू टू टू स्लिट्स का भी इफेक्ट है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अब हमें नोट करनी है वो ये कि कई बार क्या हो रहा है, देखिए कि ये मिनिमा इस मैक्सिमा पर इंसिडेंट हो रहा है तो वो ऑर्डर ऑफ जो मैक्सिमा है वो हमें मिसिंग हो रहे हैं, कुछ ऑर्डर्स हमें यहाँ मिलेंगे नहीं इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में। ऐसा तब होता है जब डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का जो मैक्सिमा है वो इंटरफेरेंस के मिनिमा पर गिर जाता, तो यहाँ जहाँ मिनिमा होना चाहिए था वहाँ पर हमें मैक्सिमा दिखाई देता है, यहाँ जहाँ मैक्सिमा होना चाहिए था वो वहाँ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस किस
ऑर्डर, और ये किस बात पर निर्भर करता है हम देखेंगे। जो मिसिंग ऑर्डर हैं ये रिलेटिव विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट और ओपेक रीजन जो है, जो दो स्लिट्स के बीच का पार्ट है, उनकी रिलेटिव विड्थ पर डिपेंड करता है। कैसे करता है वो हम देखते हैं। मिसिंग ऑर्डर इन डिफ्रेक्शन पैटर्न, ड्यू टू डिफ्रेक्शन ड्यू टू टू स्लिट्स। कौन कौन से ऑर्डर मिसिंग होते हैं वो देखते हैं हम। देखिए पहले कंडीशन से लिखते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए द कंडीशन, ये मैं फिर बता देता हूं। व्हेन मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस इंसिडेंट ऑन द मिनिमा ड्यू टू द डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट एंड दैट ऑर्डर विल बी मिसिंग। जब इंटरफेरेंस का मैक्सिमा और मिनिमा जो है जहाँ आना चाहिए था उस पर इंसिडेंट, तो वो मिनिमा आपको ऑब्जर्व ही नहीं होगा और वो ऑर्डर मिसिंग होगा। देखिए द कंडीशन फॉर मैक्सिमा और यू कैन से सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा ये क्या होगी इज, ये जो कंडीशन है वो मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये चीज आप देखते हैं। और फॉर मिनिमा के लिए हमने क्या कंडीशन निकाली थी, फॉर मिनिमाज हमने कंडीशन निकाली थी ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। एक इक्वेशन ये है हमारे पास और एक इक्वेशन ये है। ऑन डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को अब आप डिवाइड कर दीजिए, यानी ए प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा एंड इट इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइड बाई एम लैम्डा। और यहाँ से देखिए आप ये कैंसिल हो गया है साइन थीटा से, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास जो आ गया एम इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एन, तो दिस इक्वेशन गिव्स द कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर। और आप पॉइंट्स देख रहे हैं कि ये जो मिसिंग ऑर्डर का है वो इन दोनों की रिलेटिव विड्थ पर, कि बी जो है दिस इज़ दी विड्थ ऑफ दी ओपेक रीजन बिटवीन दी टू स्लिट्स और ए जो है इट इज़ दी विड्थ ऑफ ईच स्लिट। तो यहाँ से देखिए स्पेशली आपको पता चल जाएगा, जिसे पहले मैं ये ले रहा हूँ कि अगर इफ़ बी इज इक्वल टू ए, मतलब हम जो ओपेक रीजन की जो विड्थ है वो सिंगल स्लिट की जो विड्थ है उसके बराबर ले रहे हैं, अगर बी ए के बराबर है तो इक्वेशन थ्री गिव्स। यहां से हमें पता चलता है कि जो m होगी m इक्वल टू ये हो जाएगी 2n और n की वैल्यू क्या होती है 1, 2, 3, यानी कि आप ये कहेंगे कि सेकंड ऑर्डर क्यू n को जब 1 करेंगे तो 2n हो गया ना, 2a बाई a करें a से a कहते 2n यानी कि सेकंड, और फिर 2 करेंगे तो फोर्थ, फिर सिक्स, फिर एट्थ ऑर्डर आर मिसिंग। ये तो तब होता है जब बी ए के बराबर होता है, लेकिन यहां से देखिए दूसरी कंडीशन। अब हम अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो ओपेक रीजन की विड्थ है वो हमारी इससे डबल ले लेते हैं, जो हमारी सिंगल स्लिट की विड्थ है जो प्रत्येक की हम बराबर ले रहे हैं उसे डबल ले लें, तो फिर देखिए यहाँ पर आप b के जगह 2a रखेंगे तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा देखो 2 और 2a तो 3a हो जाएगा ऊपर, तो और नीचे a है ही इंटू n, a से a यहाँ कैंसिल हो गया है और यहाँ से देखिए m इज इक्वल टू 3n, ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ n फिर मैं बता रहा हूँ आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 है, इसका मतलब जब हम n को 1 रखेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर की जो मिसिंग होती है, n को 2 रखेंगे यानी कि थर्ड ऑर्डर, थर्ड फिर सिक्स, फिर 3 कर देंगे तो नाइन्थ एंड सो ऑन, ऑर्डर आर मिसिंग। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा ऑर्डर मिसिंग होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि बी और ए की रिलेटिव वैल्यूज क्या हैं, यानी कि मिसिंग ऑर्डर
आर डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव विड्थ ऑफ द ओपेक रीजन एंड द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट. एक तो ये पॉइंट हमें समझ में आया. दूसरा, ये कब मिसिंग होता है? व्हेन द मैक्सिमा ड्यू टू टू स्लिट्स, यानी कि मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द टू स्लिट डिपेंड्स ऑन द मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, देन दैट पॉइंट और यू कैन से दैट ऑर्डर विल बी मिसिंग. तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हमारा काफ़ी लेंदी रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था. एग्जाम्स में अक्सर आपके से ये पूछा जाता है और आप बहुत अच्छी तरीके से इसको किया होगा. आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जा करके ज़रूर बताएं. आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है? आने वाले टाइम में कौन से लेक्चर्स और आपको बहुत जल्दी चाहिए, उन पर भी हम जल्दी ही आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर देंगे. आपने प्रॉपरली अपने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं नोट्स बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके और आप नोट्स अपने डाउनलोड ज़रूर कर लें. वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं बेटर स्कोरिंग के लिए. पूरे वीडियो को देखें, धीरे धीरे देखें और ऑर्डर जो नोट्स हैं वो वहाँ से डाउनलोड करें. और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा लेक्चर ये थी, देखिए यहाँ पर हमने टू स्लिट्स की बात की है, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एन स्लिट्स लेंगे और एन स्लिट्स की वजह से कैसा पैटर्न मिलता है वो देखेंगे, यानी कि प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की बात करेंगे. और अभी तक भी जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया है ये, तो वो जानते हैं, तो वो सब्सक्राइब अभी अभी कर लें ताकि आपको समय पर सूचना मिल जाए. इसके लिए बस सब्सक्राइब के बाद आपको बेल आइकॉन भी दबाना है और अपने अच्छे स्टूडेंट्स को शेयर करें, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने एक अच्छी पॉइंट उनको बताया, एक लेक्चर जो कि हम पूरा सिलेबस सभी क्लासेस का इसमें बताने वाले हैं, साथ साथ में आप में वो एनर्जी भी मोटिवेशन के माध्यम से बताएंगे. आप एग्ज़ाम्स कैसे प्रिपेयर करें, बेटर कैसे करें, दूसरों से अच्छा कैसे करें, ये तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो हम बताने वाले हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल, द डिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. थैंक यू वेरी मच.